नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची में हनुमान प्रतिमा तोड़ने के आरोप में एक गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने के मामले में रांची पुलिस ने एक आरोपित रमीज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से थाने में पूछताछ की जा रही है। इधर सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए रांची मेन रोड और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए मेन रोड में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। मालूम हो कि रांची मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मंगलवार की रात हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया था। मूर्ति खंडित होने के बाद बुधवार की सुबह मलाह टोली में रहने वाले लोग एकजुट हो गए और हंगामा करने लगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड सरकार के विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर होगी बहाली। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होने जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा में यह नियुक्ति होगी। 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए यह नौकरी होगी। किसी भी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 55% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा पास कर चुके लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार की ओर से संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए गढ़वा जिला में ब्लॉक वाइज कोऑर्डिनेटर के पद पर 2 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। इसमें एक पद सामान्य व्यक्ति के लिए जबकि दूसरा पद ST के लिए आरक्षित है। शुरुआत में यह नौकरी 1 साल के अनुबंध पर होगी। अगर काम संतोषप्रद रहा तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। झारखंड के किसानों को 2023 तक 25 लाख KCC। झारखंड की झामुमो सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत मार्च 2023 तक कुल 25 लाख किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सरकार अब तक 19.5 लाख से ज़्यादा किसानों को KCC कार्ड से मंजूरी दे चुकी है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2019 में झामुमो की सरकार आने के बाद से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद ही राज्य सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड के गठन के बाद से 2019 के अंत तक केवल 409 करोड़ रुपए ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत वितरित किए गए थे। पारा शिक्षकों को 3 महीने का बकाया मानदेय जारी। दुर्गा पूजा के मौके पर हेमंत सरकार ने सहायक शिक्षकों पारा शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इन सहायक अध्यापकों को 3 महीने का मानदेय जारी कर दिया गया है। यह मानदेय जुलाई अगस्त और सितंबर माह के लिए जारी किया गया। इससे झारखंड के 62,000 को सीधे लाभ होगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम विभाग की ओर से सहमति मिलने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 250 करोड़ मानदेय की राशि जारी कर दी है। गुरुवार को यह राशि सभी 62,000 शिक्षकों के बैंक खाते में चली जाएगी। इससे पहले इस राशि को हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाएगी। JEPC की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने कैबिनेट की मंजूरी की उम्मीद में ही 3 महीने का मानदेय जारी किया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं करेंगे CM हेमंत। झारखंड में एक बार फिर नए तरीके से ग्राम गाड़ी योजना लॉन्च की जा रही है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट को विभिन्न विभागों से स्वीकृति भी मिल गई है। योजना के तहत नए रास्तों पर चलने वाले इन यात्री वाहनों से आम लोगों को फायदा तो होगा ही, वाहन संचालकों को भी नुकसान नहीं होने देने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों के संचालकों को लागत कम करने के लिए सरकार प्रबंध करेगी। वहीं बदले में खास वर्ग के यात्रियों से भाड़ा नहीं वसूलने की भी शर्त शामिल होगी। शुरुआत में 500 से अधिक वाहनों की खरीद पर छूट देने की तैयारी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है। प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव गुरुवार की कैबिनेट के लिए तैयार हो चुके हैं। दुमका की लड़की को शाहरुख ने पेट्रोल से ही जलाया। झारखंड के दुमका में मुस्लिम युवकों द्वारा पेट्रोल छिड़कर जला दी गई किशोरी के मामले में राज्य विधिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों के विरुद्ध लगे आरोपों की पुष्टि की है। पूरे मामले की जांच में जुटाए गए पुलिस के फोरेंसिक साक्ष्य SFSL में सही साबित हो चुके हैं। SFSL की उक्त रिपोर्ट को दुमका पुलिस ने अपनी चार्जशीट के साथ कोर्ट में जमा कर दिया था। अब मामला दुमका कोर्ट में विचाराधीन है। SFSL की रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने रसायन की जांच के लिए जो साक्ष्य दिया था
उसके रसायन का विश्लेषण किया गया जिसमें उक्त रसायन पेट्रोल ही निकला। मरने से पहले किशोरी ने भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की बात कही थी। प्रयोगशाला सहायक नियुक्ति के लिए 13 अक्टूबर तक भरे आवेदन। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए अब 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 सितंबर तक ही आवेदन भरे जाने थे। विद्यालयों में कुल 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान तीनों विषयों में प्रत्येक में 230 पदों पर नियुक्ति होगी। पलामू में उर्दू के शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे इस्लाम धर्म। पलामू जिले के विश्रामपुर नगर परिषद मुख्यालय स्थित प्लस टू जनता उच्च विद्यालय के शिक्षक इरफान अंसारी छात्रों को विषय की शिक्षा देने के स्थान पर इस्लाम धर्म पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों के बीच इस्लाम धर्म की पुस्तक भी बांटते हैं। इस्लामिक पुस्तक नहीं पढ़ने पर बच्चों को प्रताड़ित भी करते हैं। शिक्षा का यह कारनामा लंबे समय से चल रहा है। इस कारनामे की जानकारी मिलने पर बुधवार को अभिभावकों और स्थानीय ने हंगामा किया। हुआ यूं कि स्थानीय पूजा कमेटी के सदस्य और कुछ स्थानीय लोग स्कूल गए तो शिक्षक इरफान अंसारी ने सबको इस्लाम धर्म का पुस्तक देकर मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा, जिसके बाद पूजा कमेटी के सदस्य और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने स्कूल के मुख्य द्वार के सामने हंगामा भी किया। राज्यपाल का निर्देश, कोर्ट फीस विधेयक पर पुनर्विचार करे सरकार। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को कोर्ट फीस विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। राजभवन के मुताबिक जनजातीय समुदाय के व्यापक जनहित को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। यह विधेयक 22 दिसंबर 2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इस वर्ष 11 फरवरी को राज्यपाल ने इस पर सहमति प्रदान की थी। इसके बाद राज्यपाल को बिल के प्रावधानों में वर्णित कोर्ट फीस वृद्धि के विरुद्ध बहुत सारे अभ्यावेदन व ज्ञापन प्राप्त हुए। राज्यपाल को झारखंड राज्य बार काउंसिल से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार से कोर्ट फीस में वृद्धि को वापस लेने और इसे विधि सम्मत उचित तरीके से तय करने के लिए निर्देशित करे। गुमला में शिक्षक ने कमरे में बंद कर 13 छात्रों को पीटा। गुमला जिले में निजी स्कूलों की मनमानी सिर चढ़कर बोल रही है। अब तक स्कूलों से बच्चों को निकाल देना, परीक्षा से वंचित कर देना, अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसी घटनाएं सामने आती थी। बता दें, चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्रों की बेरहमी से पिटाई का नया मामला सामने आया है। ऐसी घटना जिले में पहली बार सामने आई है। इस स्कूल के 13 छात्रों की पिटाई कर दी गई है। इतनी पिटाई की कि खून निकल कर आया है। छात्रों की इस तरह से पिटाई का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में आक्रोश है। अभिभावकों ने चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसकी शिकायत की है। धन्यवाद।